नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति तिवारी। हमारे हिंदू शास्त्र में 33 करोड़ देवताओं की पूजा की जाती है, तो वहीं समस्त देवताओं का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान और विशेष महत्व होता है। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इस माह समस्त ब्रह्मांड की जो जिम्मेदारी होती है वो भगवान शिव और उनके परिवार की होती है। वहीं आपने देखा होगा कि भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके लिए हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, तो वहीं आज हम आपको इसकी पूरी कहानी अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो डालिए एक नज़र हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान गणेश और तुलसी गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तुलसी का विवाह एक राक्षस से और गणेश जी का विवाह दो कन्याओं से होता है। दरअसल एक बार की बात है, जब गणेश जी गंगा के किनारे तप कर रहे थे तो उस समय धर्मात्मज की कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा करने के लिए चली थी। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची और गंगा के तट पर उन्होंने देखा कि गणेश जी एक तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तपस्या में लीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन का लेप लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। वही तुलसी जी भगवान गणेश के इन रूप से मोहित हो गई और उनके मन में आया कि वो विवाह गणेश जी से करेंगी। और इस इच्छा को जब उन्होंने गणेश जी के सामने रखा तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो वहीं ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी जी ने उनका तप भंग किया था। इसके अनुसार उन्होंने इसको अशुभ बताया और तुलसी की मनसा को जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया था। श्री गणेश के द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने से तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को श्राप दे दिया कि उनका विवाह दो कन्या से होगा। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर यानी राक्षस से होगा। तभी तुलसी का विवाह एक राक्षस से होता है। तब श्री गणेश ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन इसके बाद तुम एक पौधे का रूप धारण कर लोगी। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के प्रिय होने के साथ ही कलयुग में इनको मोक्ष देने वाली माता के रूप में पूजा की जाती है और हर घर में तुलसी शुभ माना जाता है। तुलसी चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। और भगवान गणेश को श्राप देने की वजह से भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। वहीं माना जाता है कि तुलसी जी का विवाह श्री विष्णु से भी किया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।